मित्रों, आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली ऐसे वशीकरण उपाय के बारे में बताएंगे, जिसे करके आप किसी भी इंसान को, स्त्री पुरुष कोई भी हो, अपने वश में कर सकते हैं। मात्र 20 मिनट में वो इंसान आपके वशीभूत हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। जो कुछ भी आप कार्य उससे कराना चाहते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी मित्र हो, आप उस कार्य को उसके द्वारा करा सकते हैं। और यदि आप किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। यदि आप अपने प्यार मोहब्बत में असफल हैं और किसी को पाने में असफल हैं, तो इस वशीकरण उपाय के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। मित्रों, गलत मंशा, गलत धारणा से किसी के साथ ऐसा ना करें। यदि आप किसी को दिल से अपने करीब लाना चाहते हैं या किसी से बहुत ही ज़रूरी ऐसा कार्य कराना चाहते हैं जो कोई अच्छा कार्य हो, तब आप इस उपाय को करें। क्या करना है मित्रों, आपने 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं, किसी भी दिन करें इसे। समय आपने मित्रों रात को करना है, 8 बजे से 2 बजे के बीच में। क्या करना है मित्रों, आपने मित्रों 4 काली मिर्च के दाने लेकर बिना कुछ भी बिछाए ज़मीन पर बैठ जाना है। एकांत में ज़मीन पर बैठें, अपनी बैठने की जो दिशा रखें, जो मुख की दिशा होगी वो दक्षिण की रखें, यानी साउथ की दिशा रखें। और उसके बाद आपने चारों दाने आपने अपने दाएं हाथ में रखने हैं और एक मंत्र का उच्चारण करना है। क्या बोलना है मित्रों आपने, अभिकत्र वश्यम। वीडियो में लिखा हुआ दिखाया गया है मित्रों, एक बार बोलना है। दाएं हाथ से एक काली मिर्च का दाना बाएं हाथ में रख लें, फिर दोबारा बोलना है, एक दाना और बाएं हाथ में रख लें। 3 बार बोलना है, 4 बार बोलना है। 4 बार आपने यही अभिकत्र वश्यम बोलना है और बाएं हाथ में दाने रखते जाने हैं। उसके बाद आपने चारों जो दाने हैं बाएं हाथ में रखे हैं, उन्हें आप किसी भी एक स्थान पर घर में या तो संभाल दें या अपनी जेब में रख के सो जाएं। मित्रों, अपने कपड़ों की किसी जेब में रख लें या तकिए के नीचे रख लें, आप संभाल कर उसे सो जाएं। सुबह जब आप उठें, प्रातः सबसे पहले बिना कुछ भी किए आपने ये दाने निकालने हैं और दाने लेकर आपने घर के दरवाजे से बाहर निकल जाना है। और बाहर निकलने के बाद मित्रों आपने क्या करना है, चारों दिशाओं में एक स्थान पर कैसे भी आप खड़े हो जाएं और अपने चारों ओर आगे पीछे दाएं बाएं आप इन दानों को एक एक करके फेंक दें। ध्यान रहे मित्रों, बायां हाथ ही इस्तेमाल करें, दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बार दाएं से बाएं हाथ में आपने वो दाने रख दिए, आप इनको दोबारा दायां हाथ नहीं लगाएंगे। मित्रों, बस इतना आप कर लेंगे, वो इंसान जिसके लिए आपने इसे किया है वो आपके वशीभूत हो जाएगा। जिस समय आप मंत्र बोलेंगे, यानी जो छोटा सा मंत्र आपने बोला उसे बोलेंगे, हर बार उस इंसान को अपने मन में सोचना है आपने, जिसे आपने वशीभूत करना है। अब दें इजाज़त मित्रों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही सरल परंतु शक्तिशाली उपाय के साथ।